एक्टर रघुवीर यादव हालिया रिलीज वेब सीरीज पंचायत में नजर आए थे, जिसमें फुलेरा गांव के प्रधान जी बनकर उन्होंने एक बार फिर से दर्शकों को जमकर एंटरटेन किया। सीरीज में उनकी जबरदस्त अदाकारी देखने को मिली। एक्टिंग की दुनिया में एक जाना माना नाम बन चुके रघुवीर यादव ने अपने करियर में हमेशा अलग हटके किरदार निभाए हैं और हर बार अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया। मगर क्या आप जानते हैं, जनाब का सपना एक्टर बनना था ही नहीं, बल्कि रघुवीर यादव एक सिंगर बनना चाहते थे, जिसके लिए वो खासतौर पर मुंबई आए थे। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। एक्टर रघुवीर यादव अपने सरल और सादगी भरी जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर होने के बावजूद उनकी मेहनत और लगन से उन्होंने सिनेमा की दुनिया में अपने लिए एक अलग मुकाम हासिल किया। हालांकि रघुवीर यादव ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना भी किया, लेकिन उनकी पॉजिटिव सोच और डेडिकेशन ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। एक्टर रघुवीर यादव का सफर जबलपुर जैसे छोटे से गाँव से शुरू हुआ, जो उन्हें मुंबई की चमक धमक तक ले आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने करियर की शुरुआत में रघुवीर यादव एक्टर नहीं बल्कि एक सिंगर बनना चाहते थे। हमेशा से ही उनका रुझान संगीतकार बनने की तरफ रहा। संसद टीवी को दिए एक इंटरव्यू में रघुवीर यादव ने बताया कि वो हायर सेकेंडरी में फेल हो गए थे। ऐसे में शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने एक दोस्त के कहने पर वो घर से भाग गए। हालांकि इसके बाद उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, लेकिन सिंगिंग की जगह एक्टिंग उनके गले पड़ गई। सिंगिंग की फील्ड में काम करते हुए उन्होंने एक नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली और यहीं से उनका एक्टिंग से जुड़ाव शुरू हुआ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उनकी एक्टिंग में हमेशा से ही एक खास तरह की सजीवता और वास्तविकता देखने को मिलती है, जो उन्हें बाकी अभिनेताओं से अलग बनाती है। हालांकि संगीत के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने चाचा चौधरी का टाइटल सॉन्ग गाया। इसके अलावा पीपली लाइव का एक हिट गाना महंगाई डायन भी उन्हीं ने गाया है। रघुवीर यादव के फिल्मी सफर की बात करें तो उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी हैं। उनका डेब्यू साल 1985 में आई फिल्म मैसी साहब से हुआ था। इसके बाद उन्होंने सलाम बॉम्बे, लगान, स्वदेश और पीपली लाइव जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरा। उनकी अभिनय क्षमता और चरित्रों में ढलने की अद्भुत कला ने उन्हें एक्टिंग की दुनिया में एक खास जगह दिलाई। फिल्मों के अलावा रघुवीर यादव ने टेलीविजन पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। साल 1990 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए टीवी सीरियल मुंगेरी लाल के हसीन सपने में रघुवीर यादव ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया। वहीं इसके बाद वो शो मुल्ला नसरुद्दीन में नजर आए, जिससे वो बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी एक यादगार चेहरा बन गए। फिल्म और टीवी के बाद अब रघुवीर यादव ने OTT पर भी अपनी धाक जमा ली। एक्टर की हाल ही में आई पंचायत 3 वेब सीरीज ने देश भर में खासी पॉपुलैरिटी बटोरी है, जिसमें एक्टर अहम रोल में नजर आए। वेब सीरीज में प्रधान जी के किरदार में उन्होंने अपने अभिनय का ऐसा जलवा दिखाया कि दर्शक उनके फैन हो गए। इस रोल ने रघुवीर यादव को उनके करियर में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई है। तो पंचायत फेम प्रधान जी के स्कूल में फेल होने की इस बात पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।